शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। साल में दो मुख्य नवरात्रि होती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इस दौरान नवरात्रि में भक्त हर दिन माँ दुर्गा के नौ अवतारों की पूजा करते हैं और इसी के साथ देवी का प्रिय प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। कुछ भक्त इस दौरान नौ दिनों तक व्रत रखते हैं, वहीं कुछ लोग जोड़ों में व्रत रखते हैं। पहले दो और अंतिम दो व्रत रखते हैं। इस दौरान अक्सर लोग खाने पीने को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए जानते हैं नवरात्र के दौरान क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं। सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्र में आप क्या खाएं। नवरात्रि व्रत में दूध या उससे बनी चीजें खाई जा सकती हैं। दूध से आप कई तरह के शेक और स्मूदीज बना सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो कोई नेचुरल शक्कर का ऑप्शन चुनें, जैसे गुड़, शहद, खजूर या स्टीविया। इसी के साथ खाने में दही, छाछ या रायता शामिल करें, क्योंकि ये उपवास के दौरान पाचन संबंधी समस्याओं को रोकेंगे और आपकी एनर्जी के लेवल को भी हाई रखेंगे। प्रोटीन इनटेक के लिए पनीर को खाने में शामिल करना चाहिए। व्रत में खूब फल और सब्जियां खाएं। आलू, शकरकंद, लौकी, अरबी, कद्दू, पालक, ककड़ी, गाजर और केला, सेब, तरबूज, पपीता, अंगूर जैसे सभी तरह के फलों को शामिल करना चाहिए। समा के चावल, कुट्टू का आटा, साबूदाना, राजगिरा, सिंघारे का आटा की रोटियां, पूरियां, पकौड़ियां, चीला और अपने पसंदीदा डिश को बनाने में खूब काम आएगा। नवरात्रि के उपवास के दौरान सेंधा नमक खाना चाहिए। इसके अलावा आप जीरा, लौंग, दालचीनी जैसे मसाले भी खा सकते हैं। मसाले कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में जरूरी होते हैं। सूखे मेवे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का भंडार होते हैं। सूखे मेवे आपके नवरात्र डाइट में शामिल करें। दिन भर में मुट्ठी भर अखरोट, बादाम, खजूर, पिस्ता और किशमिश खा सकते हैं। अब जानते हैं कि नवरात्र व्रत में क्या ना खाएं। नवरात्र में तामसिक खाने की चीजें खाने की मनाही होती है। इसमें प्याज और लहसुन शामिल है। इन्हें अपने नवरात्र के डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। उपवास के दौरान अपने नियमित आटे जैसे गेहूं, चावल, मैदा, सूजी, मकई का आटा और सभी प्रकार की फलियों और दालों से बचना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में नियमित नमक, हल्दी, करी पाउडर, धनिया, सरसों, राई नहीं खानी चाहिए। इन सभी चीजों के अलावा शराब, अंडा, मांस सब चीजें वर्जित होती हैं।